Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees, and creeping grass and browny bees. Good morning, sky. Good morning sun, good morning little winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and browny bees. Hello friends, good morning. This is Sis Shishras और आज हम पढ़ने वाले एक छोटी सी कविता English की poem है पहला chapter है class three जो English Mary Gold है उसमें पहला chapter है और चैप्टर का नाम है गुड मॉर्निंग ये चैप्टर का नाम है पहली पोएम है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इसमें देखिए क्या रहता है एक छोटी सी लड़की रहती है और देखती है वो बाहर तो उसे घास दिखाई देती है पक्षी दिखाई देते हैं आँख आसमान है सूरज है वो दिखाई दे रहा है उसको ठीक है तो वो फिर उसको लगता है कि अभी सुबह हो गई है ना तो वो बोलती है कि मैं भी अभी उठ गई हूँ और मैं आपके साथ में खेलने के लिए आ रही हूँ कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी पोईम है गुड मॉर्निंग इस पोएम का नाम है गुड मॉर्निंग ओके सुबह सुबह जब हम स्कूल में जाते हैं या उठते हैं तो मम्मा पापा से घर पे स्कूल में टीचर्स से दोस्तों से बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग ओके सुप्रभात बोलते हैं तो इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं पहले देख लीजिए दो न्यू वर्ड्स तीन न्यू वर्ड्स हैं इसमें क्रीपिंग है मतलब रेंगना होता है ग्रोइंग वेरी स्लोली वाक्य में इस प्रयोग इसका क्या है आई वॉज स्केयर्ड वेन आई सो ए लिजार्ड क्रीपिंग क्लोज टू माई बैट मैं डर गया एक लिजाड़ जो थी छिपकली थी वो रेंगती हुई मेरे बेड के पास में जब आ रही थी अवेक का मतलब है नोट स्लीपिंग है ना अलर्ट मतलब सो सोना सोया हुआ नहीं हो जाग गया हो ना अलर्ट हो सावधान हो सेंटेंस आई वॉज अवेक बिफोर माई अलार्म क्लॉक रेंग घड़ी के जब अलार्म क्लॉक के बजने से पहले मैं उठ गया ठीक तो ये छोटी सी पोएम है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees. And creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now, too. I will be right out to play with you. मैं भी अभी उठ गई हूँ और आपके साथ में खेलने के लिए आ रही हूँ ये छोटी सी पोएम है तो अभी हम इसको आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करके आपको बताएंगे ओके गुड मॉर्निंग स्काई है ना आसमान को गुड मॉर्निंग बोल रही है गुड मॉर्निंग स्काई स्काई का मतलब आसमान है गुड मॉर्निंग सन सन का मतलब पता है ना सूरज गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन धीरे धीरे हवा चल रही है ना बह रही है धीरे धीरे गुड मॉर्निंग बर्ड्स पक्षियों को गुड मॉर्निंग बोल रही है वो छोटी सी बच्ची आप ऊपर देख रहे हैं विंडो एक विंडो आपको दिखाई दे रही है उसमें छोटी सी लड़की आपको दिखाई दे रही है पिक्चर तो ये छोटी सी लड़की है और पास में उसके सन सूरज दिखाई दे रहा है राइट साइड में आप देखेंगे तो बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं ना उड़ रहे हैं पक्षी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पेड़ है यहाँ पे ठीक है इस प्रकार से सबको गुड मॉर्निंग बोल रही है वो लड़की गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंस दैट रन ओके सो डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग क्या आप सुबह उठना पसंद करते हो ये लड़की की पिक्चर आपको देखी गुड मॉर्निंग स्काई आसमान सुप्रभात गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सन सूरज को भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लिटिल विंस दैट रन धीरे धीरे जो हवा बह रही है उसको भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बर्ड्स जो बर्ड्स हैं पक्षी हैं उड़ रहे हैं आसमान में उनको भी गुड मॉर्निंग बोल रही है गुड मॉर्निंग ट्रीज जो पेड़ हैं ट्रीज हैं उनको भी बोल रही है गुड मॉर्निंग एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज क्रीपिंग ग्रास का मतलब है धीरे धीरे जो बढ़ रहा है घास उसको भी गुड मॉर्निंग बोल रही है एंड ब्राउनी बीज जो मधुमक्खियाँ हैं उनको बोल रही है हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे कैसे पता चला आपको कि अभी जो है दिन हो गया है रात जो है वो ख़त्म हो गई कैसे पता चला आपको वो लड़की सोच रही है पूछ रही है हु टोल्ड यू नाइट हैड गोन अवे किसने आपको बताया कि रात जो है वो जा चुकी है सुबह आ चुकी है किससे पूछ रही है वो पेड़ों से ना पेड़ हैं पक्षी हैं पक्षी चहचा रहे हैं है, आसमान में सूरज निकल आया है हवा चल रही है तो वो उन सबसे पूछ रही कि आपको किसने बताया कि अभी दिन हो गया है और रात जो है वो चली गई है किसने बताया आई एम वाइड अवेक और मैं भी अभी जाग चुकी हूँ आई एम नाउ टू आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू और मैं भी अभी तुम्हारे साथ में खेलने के लिए आ रही हूँ है ना ये लड़की बोल रही छोटी सी सो इस प्रकार से सबको गुड मॉर्निंग बोल रही है कौन किस किस को गुड मॉर्निंग बोल रही है आप देख लीजिए सबसे पहले है स्काई सन लिटिल विंस दैट रन बर्ड्स ट्रीज क्रीपिंग ग्रास ब्राउनी बीज है ना फिर वो उनको उनको पूछ रही है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे कैसे पता चला कि दिन है हु टोल्ड यू नाइट है अवे किसने बताया आपको कि रात जो है वो जा चुकी है I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. Okay. अभी इसमें न्यू वर्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं तीन थ्री न्यू वर्ड्स आते हैं ओके okay. ये इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे जो आप हम आपको बताएंगे uh, Why is the child in the poem happy? बच्चा खुश क्यों है वो लड़की जो है वो खुश क्यों है ज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग किस किस को वो जो चाइल्ड है वो किसको गुड मॉर्निंग कहता है ना फिर टॉक टाइम है फिर वर्ल्ड वर्ड बिल्डिंग्स है ये सारे हम आंसर अभी थोड़ी देर में जानने वाले हैं फिर वर्ड बिल्डिंग में लेट्स से अलाउड फाइंड वर्ड इन द पोएम विच राइम विथ राइमिंग स्कीम वाले जो वर्ड है वो हमें लिखना है बीज है डे है टू है ओके okay. पहला प्रश्न देखिए वाई इज़ दिस चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी बच्चा जो है इस कविता में जो चाइल्ड है अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है लेकिन कौन है इस पोएम में एक छोटी सी लड़की है क्यों हैप्पी है वो द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग एंड देर फॉर सी कैन टॉक विद द स्काई ट्रीज बीज एट्सेट्रा वो इसलिए खुश है क्योंकि अभी सुबह है और वो उन सब से बात कर सकती है जैसे स्काई है ट्री है बीज है एटसेट्रा है ना इनके अलावा और भी हैं टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग किस किस को कह रहा है द चाइल्ड से इज गुड मॉर्निंग टू द स्काई सन विन्द बर्ड्स ट्रीज ग्रास एंड बीज इन सब को गुड मॉर्निंग कह रही है जो लड़की है छोटी सी तो किस किस को गुड मॉर्निंग कह रही है सबसे पहले स्काई को फिर सन को फिर हवा को जो स्लो सलो हवा चल रही है फिर जो बर्ड्स हैं उनको कह रही है फिर जो पेड़ हैं ट्रीज हैं उनको गुड मॉर्निंग कह रही है फिर जो क्रीपिंग ग्रास है उसको गुड मॉर्निंग कह रही है फिर जो ब्राउनी बीज हैं उनको गुड मॉर्निंग कह रही है वॉट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू ये जो चाइल्ड लाइक पोइम में ये जो छोटी सी लड़की है वो क्या करना चाहती है वॉट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू ये छोटी सी लड़की इस पोएम में क्या करने का उसका मन है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले आउट इन द दू द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले आउट इन द कंपनी ऑफ द स्काई विंड बर्ड्स एटसेट्रा यानी वो भी उन सबके साथ में खेलना चाहती है जो बाहर उसको दिखाई दे रहे हैं ना पेड़ हैं ब्राउनी बीज है उन सबके साथ वो खेलना चाहती है सो द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले आउट इन द कंपनी ऑफ द स्काई विंड बर्ड्स एटसेट्रा ओके टोक टाइम इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग एट नाइट आई से गुड नाइट से ए काउ से इज मू मू से गुड मॉर्निंग इन योर ऑन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स योर टीचर अपनी भाषा में आप अपने टीचर को आप अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहिए कैसे बोलते हैं कैसे भी बोल सकते हैं आप है ना जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना क्या बोलते हैं राम राम बोलते हैं ना राम राम चाहे सुबह हो जाए दोपहर हो जाए श्याम हो यही बोलते हैं ना राम राम राधे राधे राधे, राधे कृष्णा ऐसे बोलते हैं ना तो आप अपनी भाषा में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में तो देखिए इसको सुप्रभात बोलते हैं सुप्रभात गुड मॉर्निंग को और फिर गुड आफ्टरनून बोलते हैं गुड इवनिंग बोलते हैं गुड नाइट बोलते हैं ओके लेट्स से लाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ बीज फ्रीज डे अवे टू यू ओके तो ये जो ए डब्ल्यू ए वाई है है ना अवे तो बीज का ट्रीज डे का अवे टू का यू वॉट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट ड्रॉइंग द बॉक्सिस क्या देखते हैं आप दिन में रात में बॉक्स में पिक्चर बनाना है राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर यू हैव ड्रॉन डे नाइट दिन में क्या दिखाई देता है सूरज बर्ड्स रात में चंद्रमा है मून है स्टार्स है ना ये रात में आपको दिखाई देते हैं सो so, ये आपको लिखने थे दिन में दिखाई देने वाली चीजें उनका पिक्चर आपको बनाना था और रात में जो आपको दिखाई देती हैं मून स्टार्स ना रात में दिखाई देते हैं आपको सो so, ये आपकी छोटी सी पॉइंट थी गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्लास थर्ड इंग्लिश मेरी गोल्ड फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज सिज गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग बर्ड्स एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो Thank you, bye bye.